श्री राम जन्मभूमि न्यास से सभी परिचित हैं। अब श्री राम कर्मभूमि न्यास भी लोगों की जीवा पर होगी, क्योंकि विश्वविख्यात संत तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज एवं जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी अंताचार्य जी महाराज ने बिहार की राजधानी पटना में इसके कार्यालय का उद्घाटन कर बिहार में स्थित श्री राम की प्रथम कर्मभूमि को सजाने संवारने के अभियान का सूत्रपात किया। अयोध्या में श्री राम का जन्म जरूर हुआ, लेकिन अवतारी राम के रूप में उनका परिचय बिहार के बक्सर में ही हुआ था। सिद्धाश्रम का ही आधुनिक नाम बक्सर है। यह भारत का अति विशिष्ट तीर्थ क्षेत्र है, जहां श्री राम के ब्रह्म नायक होने का प्रमाण संसार को मिला था। पराक्रमी श्री राम के प्रथम दर्शन कराने वाला यह तीर्थ अयोध्या के समान होने के बावजूद विश्व की नज़रों से ओझल है। इस तीर्थ के गौरव को वापस लाने के संकल्प को सिद्ध करने के लिए श्री राम कर्मभूमि न्यास की स्थापना की गई है। वैसे तो इस न्यास का प्रधान कार्यालय बक्सर में है, लेकिन कार्य को गति देने के उद्देश्य से बिहार की राजधानी में पटना एक कार्यालय की स्थापना की गई है। पटना के फ्रेजर रोड स्थित सुपरमार्केट के बी ब्लॉक में स्थापित श्री राम कर्मभूमि के कार्यालय का उद्घाटन तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज एवं जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी अंताचार्य जी महाराज ने किया। इस अवसर पर श्री राम कर्मभूमि न्यास के संस्थापक न्यासी व केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे, चित्रकूट तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी आचार्य श्री रामचंद्र दास, बिहार भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, विधान परिषद सदस्य व IIT खड़गपुर के पूर्ववर्ती छात्र श्री सजदानंद राय, न्यास के संयोजक व पत्रकार कृष्णकांत ओझा उपस्थित थे। इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।